डरो लादी करके अमल तुम इस नसीहत पर खुदा के वास्ते ना जुल्म उठाओ दाते औरत पर खुदा के वास्ते ना जुल्म उठाओ दाते औरत पर खुदा के वास्ते ना जुल्म उठाओ दाते औरत पर डरो अल्लाह से कर के अमल तुम इस नसीहत पर डरो अल्लाह से कर के अमल तुम इस नसीहत पर डरो अल्लाह से कर के अमल तुम इस नसीहत पर खुदा के वास्ते ना जुल्म उठाओ दाते औरत पर खुदा के वास्ते ना जुल्म उठाओ दाते औरत पर खुदा के वास्ते ना जुल्म उठाओ दाते औरत पर खुदा के वास्ते ना जुल्म उठाओ दाते औरत पर इस औरत का वजूद किस तरह अमल में आया, इस औरत की क्या शान व अजमत है, ये औरत इंसान की जिंदगी का जुज कैसे बनी। इस नसीहत की नज्म के पहले बन में कुछ झलकियां पेश कर रहा हूँ, शायर का उसने ख्याल समा फरमाए। ये औरत क्या है, इस औरत की अजमत को जरा सुनिए। इस औरत लाहूत का अनमोल तोहफा है, ये औरत राज कुदरत है, ये औरत शम्मे उकबा है, ये औरत खालिकी कौनू मगा की खुशनुमाई है, ये औरत हाँ ये औरत वाकई नाजी खुदाई है, ये औरत जलवा करती लफूज गुन के नूरी पर्दों में, ये औरत मुस्कुराई हजरत आदम के ख्वाबों में, ये औरत हाँ ये औरत किस तरह पैदा हुई देखू, ये औरत किस तरह से नाजिशी दुनिया हुई देखू, हुई तखलीके हुआ हजरत आदम की पसली से, मिले फिर बाब आदम माई हुआ रब की मर्जी से, रहे दोनों ही जन्नत की अजीमुल शान महलों में, किया करती थी दोनों सैर भी जन्नत के बागों में, खुदा ने दोनों को मुख्तार जन्नत का बनाया था, खिलाफत का शरफ अल्लाह से आदम ने पाया था, खुदाई में हुई मुमताज़ियूं औलाद आदम की, रही शाना बशाना हजरत हव्वा की भी बेटी, खुदाए पाक की मखलूक में जो सबसे है आला, खुदाए पाक की मखलूक में जो सबसे है आला।
बचपन पर खास तौर से तौजीह चाहूंगा। शायर की उसने बयानी और इस औरत के जलीलुल कद्र कारनामे, इसकी नफासत, उसने सीरत और तर्द फितरत इस नज्म के दूसरे बंद में समाप्त फरमाए। खुदानी हाकिमाना जो तुम्हें दर्जात बख्शी है, तो इस औरत ने भी मुनसिब बड़े ही आला पाए हैं। तुम्हारे कब्जे कुदरत में जो हिम्मत है ताकत है, तो ये औरत भी दौरे हाजरा की एक जरूरत है। किसी इंसान से रिश्ता जोड़ लेती है तो उसके सहने दिल को हर अदा से मोड़ लेती है। ये औरत इतनी नाजुक है कि जैसे मोम की गुड़िया, गलत है जो भी इसको कह रहे हैं जहर की पुड़िया। ये औरत शाख नाजुक की तरह सर सब्ज डाली है, नजर में शोखियां हैं हर अदा इसी की निराली है। झुकाना मत इसे ज्यादा ये वरना टूट जाएगी, कसम से जिंदगी भरना तुम्हारे हाथ आएगी। तुम इसके को दुख नहीं देना, कभी आंसू तुम इसकी आंख से बहने नहीं देना। बड़ी ही खूबसूरत है इसे बर्बाद मत करना, किसी भी जिद पे इसकी तुम सितम एजाद मत करना। मना ले हमेशा, तुम पे ये सौ जान से कुर्बान जाएगी। हमेशा तुम पे ये सौ जान से कुर्बान जाएगी। हमेशा तुम पे ये सौ जान से कुर्बान जाएगी। हमेशा तुम पे ये सौ जान से कुर्बान जाएगी। हमेशा तुम पे ये सौ जान से कुर्बान। माई हवा की बेटियों की दीगर तख्लीकात और उनके बेहतरीन किरदार और उनके साथ बाबा आदम के बेटों का बदतरीन सुलूक, शायर का अंदाजे बयां समाज फरमाए। आगे क्या होता है, तुम्हारी हर उम्मीदों को ये एक दिन जगमगा देगी, कसम अल्लाह की घर को तुम्हारे घर बना देगी। तुम इस औरत को ना तौलो कभी शक के तराजू में, हमेशा दोस्तों जज्बात को तुम रखो काबू में। न छोटी छोटी बातों पर झगड़ना अपनी औरत से, है पुतला गलतियों का मत बिगड़ना अपनी औरत से।
हुस्न की सीरत से सीखा है, चहकना बुलबुलों ने भी इसी औरत से सीखा है। रसूलों को इसी ज़ीशान औरत ने किया पैदा, है औरत के शिकम ही से ज़हूरे औलिया अल्लाह। इस औरत ने सहाबा और गाज़ी भी किए पैदा, इस औरत ने खुशबूदार देखोगे। कभी माँ बन के इसने जिंदगी बख्शी है लोगों, किसी औरत ने बीवी बनी के भी दिखला दिया लोगों, बहन बन के इसी औरत ने हर भाई को चाहा है। हमने रूप में बेटी के देखा है, इसी औरत को हमने रूप में बेटी के देखा है, इसी औरत को हमने रूप में बेटी के देखा है, इसी औरत को हमने रूप में बेटी के देखा है, इसी औरत को हमने रूप में बेटी के देखा है। हजरत मुस्तफ़ा की नसीहत के जरिए हिंदुस्तान के नामवर शायर इस्लाम जनाब अकमल कानपुरी ने वक्त के तेज धारों में बहने वाली माँ बहनों के लिए दुनिया और आखिरत संवारने वाली तलकीन पेश करते हैं। समाप्त कीजिए। कभी महबूबा बन के भी इसी औरत ने दिखलाया, तुम्हारी शाम तन्हाई चमकाया है अक्सर खानदानों को, निशा वाला इस औरत ने बनाया बेनिशानों को। तुम इस औरत को नादानो खिलौना क्यों समझती हो, बदलती बिस्तरों का तुम बिछौना क्यों समझती हो, हवस की प्यास इसके जिस्म से अक्सर बुझाते हो, फिर इसको ठोकरें खाने की खातिर छोड़ जाते हो। खामोशी को न इसकी दोस्त तो कमजोरियां समझो, डरो तुम इसकी आहों से जरा मजबूरियां समझो, अगर तुम चीखों से सजाओगे खुदाए पाक के कहरों गजब से बच न पाओगे। जरा ऐ बिनते हुआ तू भी सुन ले इस नसीहत को, बना ले तू भी अपनी जिंदगी शौहर की खिदमत को, तेरा शौहर जुआरी के वो पक्का शराबी हो, अगर किरदार
फिर शौहर के खराबी हो। तेरा शौहर अगर तुझसे कभी नाराज हो जाए, तुझे मारे भी तुझ पर गालियों के तीर बरसाए, गरज वही है नेक बीवी वाकई जो जब्त कर जाए, वही है नेक बीवी वाकई जो जब्त कर जाए, वही है नेक बीवी वाकई जो जब्त कर जाए, वही है नेक बीवी वाकई जो जब्त कर जाए, वही है नेक बीवी वाकई जो जब्त कर जाए। इस कलाम के इस बंद में अपनी माँ बहनों से खास तौर से तौजी चाहूंगा। कैसी प्यारी बात पेश की है शायर अकमल कानपुरी साहब ने, सुनिएगा मुस्तफा की नसीहत के एक मिसरे को। अगर तुझको कभी कसली शिकंजा तंग दस्ती का, मगर दामन कभी ना छोड़ना शोहर परस्ती का, तुझे हर हाल में शोहर को अपने राज रखना है, कसम अल्लाह की शोहर परस्ती तेरा गहना है। रवा हो अपनी असमतों को सीनते बाजार मत करना, पूरे अफ़ुआल से गंदा कभी किरदार मत करना, बहुत अनमोल है हुस्नो जवानी के हर एक लम्हे, इसे महफूज रखना तुम अज़ाबे ब्यूटी पार्लर से, तुम्हें तेजी से डसते जा रहे हैं नाग फैशन के, तुम्हें उलझा रहे हैं गर्दिशों में राग फैशन के, रिदाए शर्म गैरत खींच ली है वक्त ने सर से, निकल जाती हो तुम आवारा लोगों की तरह घर से, कभी सोचा तेरी इन हरकतों का क्या असर होगा, तेरे बच्चे बनेंगे बद चलन बर्बाद घर होगा। मैं अपने नौजवानों को भी अब आगाह करता हूँ, रगे बे इसमें इसलाही हरारत आज भरता हूँ, उठा कर देख लो कुरान में माँ बाप का रुतबा, उठा कर देख लो कुरान में माँ बाप का रुतबा, उठा कर देख लो कुरान में माँ बाप का रुतबा, तकाजा वक्त का है छोड़ दो तुम पाप का रास्ता, तकाजा वक्त का है छोड़ दो तुम पाप का रास्ता, तकाजा वक्त का है छोड़ दो तुम पाप का रास्ता, तकाजा वक्त का है छोड़ दो तुम पाप का रास्ता, तकाजा वक्त का है।
सामाईन हजरात, वालदैन का मर्तबा बहुत बुलंद है। इस नज्म का आखिरी बंद है, अपने नौजवानों के लिए पेश करता हूँ। उम्मीद है कि सुनकर इस नसीहत को फेले पद से दूर रहेंगे। तो लीजिए समा फरमाए मुस्तफा की नसीहत। उठो जब सुबह तो पहली नजर माँ बाप पर डालो, तुम अपना हाजियों में नाम घर बैठे लिखा डालो, तुम्हारी परवरिश में कैसे कैसे दुख उठाए हैं, लहू से सींच के तेरे लिए सब पर, खुदा के वास्ते ना जुल्म उठाओ जाते औरत पर, खुदा के वास्ते ना जुल्म उठाओ जाते औरत पर, खुदा के वास्ते ना जुल्म उठाओ जाते औरत पर, खुदा के वास्ते ना जुल्म उठाओ जाते औरत पर। डरो अल्लाह से करके अमल तुम इस नसीहत पर, नसीहत पर खुदा के वास्ते नाज़िल।